पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी दलों के साथ साथ पॉलिटिकल पंडितों में भी विश्लेषण का दौर जारी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीत का परचम लहरा रही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी के विजय रथ को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत कर रोका है। हालांकि छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसे वैसी जीत नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छुआ तो वही मध्य प्रदेश में वो बहुमत से 2 सीट पीछे रह गई। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी की हार के पीछे किसान और बेरोजगारी के अलावा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा, नोटा। खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांटे की टक्कर रही उसमें नोटा और सपाक्स पार्टी का चुनाव मैदान में उतरना भी अहम था। सपाक्स सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के शासकीय सेवकों का संगठन है जो पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करता है। कहा जा रहा है कि इसका असर लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत के मामले में आप, सपा और राकपा समेत कई सियासी दलों पर नोटा भारी पड़ा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में 0.5% से लेकर 2.1% तक वोट नोटा के पक्ष में पड़े। मध्य प्रदेश में 1.5% लोगों ने नोटा दबाया। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर भाजपा बहुत ही कम मतों के अंतर से हारी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी बेहद कम अंतर से सरकार बनाने में चूक गई, उसने नोटा की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5% लोगों ने नोटा दबाया है। आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।